स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फजल हाशमी इंटीरियर्स में। आज की वीडियो में हम फ्रेंच वॉल मोल्डिंग देखने वाले हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम फ्रेंच वॉल मोल्डिंग का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा देखेंगे, साथ ही इसका कॉस्ट भी देखेंगे। अगर आप अपने घरों में इसको लगवाना चाहते हैं तो इसका बजट कितना बैठता है वो भी हम बात करेंगे, और अगर इसे आप लगाना चाहते हैं तो इसे खुद भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब ये प्लेन वाल है, इस पर हम वॉल मोल्डिंग लगाएंगे। अब इसमें हम जो वॉल मोल्डिंग लगाएंगे वो हमारा डबल लेयर में लगेगा। पहला लेयर जो होगा वो 45 mm मोटा होगा, और दूसरा लेयर जो होगा वो 25 mm होगा, और कहीं कहीं पे सिंगल भी लगाया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिंगल लेयर कैसा दिखता है और डबल लेयर कैसा दिखता है। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये सिंगल लेयर है। अब इसका प्राइस जो होता है वो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 45 mm मोटी होती है। देखिए, अभी आपके सामने ये कटिंग करते वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना मोटा होता है, कितना थिकनेस होता है इसका। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिंगल लेयर लगाने से भी आपकी दीवार पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और शानदार लुक आता है। तो हम बात करते हैं अब डबल लेयर की, डबल लेयर लगने के बाद हमारे दीवार पर कैसा दिखता है और उसका प्राइस क्या होता है, थिकनेस क्या होती है। देखिए, अब जो डबल लेयर वाला हमारा मोल्डिंग होता है उसमें हम यूज करते हैं 45 mm वाला मोल्डिंग, और दूसरा जो लेयर होता है हमारा उसमें हम यूज करते हैं 25 mm वाला मोल्डिंग। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगने के बाद हमारे दीवार पर लगता है। अभी हमारे दोनों लेयर्स की मोल्डिंग की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब कटिंग ये हमारा क्रॉस में होता है 45 डिग्री पे। आप इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार से करें, बिल्कुल सैंपल होता है। आपके पास एक कटर मशीन होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से आप रेंट पे ले लें। अब मोल्डिंग कटिंग करने के बाद इसे हमें एक दूसरे में ज्वाइंट करना होता है। ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर एक लेमिनेशन लगा होता है पन्नी का, उसे हमें थोड़ी दूर निकालना है। उसके बाद फेविक्विक का यूज़ करके इसे हमें ज्वाइन करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसकी फ्रेमिंग कंप्लीट होगी। देखिए, हमारे मोल्डिंग की फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको दीवार पर लगाने के लिए हमें मेजरमेंट करना होगा, हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग दीवार पर निशान लगाना होगा। उसके बाद इसका लेबर मिलाना होता है कि जो भी हम लगा रहे हैं मोल्डिंग, सारा मोल्डिंग हमारा एक बराबर लगना चाहिए, जिससे कि देखने में कोई ऊपर नीचे ना दिखे। अब ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं इससे हमारा लेबर मिल रहा है, ये हमारा लेजर मशीन है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप पाइप वाले से भी लेबर मिला के इसे लगा सकते हैं। तो ये ग्रीन लाइन जो हमारी है इसके ऊपर हम अपनी सारी मोल्डिंग्स लगाएंगे। मोल्डिंग्स लगाने के पहले इसमें जो 4 mm की कीली होती है हमारी, वो कीली इस ग्रीन लाइन के ऊपर लगाएंगे, और जो हमारा मोल्डिंग होता है इसके सहारे ऊपर हम इसको टंगा देते हैं। टंगाने के बाद जब हमारा तीनों मोल्डिंग लग जाएगा, अगर हमारा साइज सारा सही है, उसके बाद हम इसको निकालते हैं और हम सिलिकॉन लगाते हैं। सिलिकॉन से इसको डायरेक्ट दीवार पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखिए, अभी हमने मोल्डिंग्स को दीवार पर कील के सहारे लटका दी है। अब ये हमारा सिंगल लेयर मोल्डिंग है, इसका प्राइस जो होता है वो 60 रुपये रनिंग फिट होता है, ना कि स्क्वायर फिट। आप ये मत सोचिएगा कि ये स्क्वायर फिट में लगता है, ये रनिंग फिट में लगता है। अब सेम इसी तरीके से हम नीचे की साइड भी मोल्डिंग्स लगाएंगे, उसको भी वीडियो में आगे आपको बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे। अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से किया जा रहा है। अब इसको सारा लगाने के बाद हम इसे निकालेंगे और सिलिकॉन से इसे एडजस्ट करके लगाएंगे। अब देखिए, ये बगल में एक दीवार पर हमने यूवी मार्बल सीट लगाया है, साथ ही यहाँ पर जो भी ग्रुप ग्लास होता है, मोजाइक टाइल भी बोलते हैं,
इसे हमने बगल दीवार पर लगाया है, इसका कॉस्ट या इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ चुका है वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख सकते हैं, साथ ही इसका कॉस्ट भी जान सकते हैं। अब नीचे की साइड हम मोल्डिंग लगा रहे हैं। नीचे की साइड हमारा दो मोल्डिंग कम्प्लीटली लग चुका है और तीसरा लास्ट मोल्डिंग हमारा लगना है। अब चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से हम लगाते हैं। अब लेजर से हम इसका एरिया मिला रहे हैं, जो हमारा लेबल है वो मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लेजर से हमने दो लाइन है, एक ऊपर की साइड से बिल्कुल सीधा देखा जा रहा है, एक नीचे की साइड से। अब इसके अंदर जो एरिया है वहाँ पर हम अपना ये मोल्डिंग लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको लगाने के बाद यहाँ पर हम उसी प्रकार से बिल्कुल केली ठोकेंगे दीवार पर और उसके सहारे इसको वहाँ पर टंगा देंगे। देखिए हमारा सिंगल लेयर मोल्डिंग पूरा कंप्लीटली लग चुका है। अब इसका लुक वाइज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा शानदार बेहतरीन लुक आ रहा है इसको। और इसका प्राइस हम वीडियो में आपको आगे भी बता चुके हैं कि अगर आप ये सिंगल लेयर मोल्डिंग लगवाते हैं तो ₹60 रनिंग फिट लगता है। अब एक बार आप ये लुक देखिए आप सारे एंगल से कि कितना ज्यादा शानदार लुक दे रहा है। अभी इसमें हम स्टील का जो गोल्डन कलर का पत्ती आता है वो इसके बीच में लगाएंगे, उसके बाद डबल लेयर जो हमारा 25 mm वाला मोल्डिंग आता है वो भी हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो गोल्डन पत्ती आता है वो किस प्रकार से लगाते हैं। अब सिलिकॉन से डायरेक्ट इसको भी दीवार में अटैच करेंगे, जो भी हमारा लगेगा सब सिलिकॉन से दीवार पे लगेगा, जिससे कि इसकी मजबूती अच्छी खासी हो। अब देखिए ये जो हमारा पत्ती है इसे हम लगा रहे हैं किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। देखिए अभी जो गोल्डन पत्ती हम लगा रहे हैं या फिर मोल्डिंग लगा रहे हैं इसके ऊपर लेमिनेशन लगा हुआ होता है। ये लेमिनेशन आपको अभी के टाइम पे लगाते टाइम नहीं निकालना है, जब आपकी दीवार की डेंटिंग पेंटिंग सब चीज हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद आप इन सभी लेमिनेशन को निकालें जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर ना बैठने पाए। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी हम पत्ती लगा रहे हैं गोल्डन उसका एक भी हम निकाल नहीं रहे हैं इसका लेमिनेशन। बीच में आप एक यहाँ पर देखेंगे मोल्डिंग जिसमें हमने लेमिनेशन निकाला है, ये आपको इसका लुक दिखाने के लिए सिर्फ निकाला है। अब आप देखिए कितना ज़्यादा शानदार लुक दे रहा है। अब इसको अगर आप लगवाते हैं तो डबल लेयर वाला जो मोल्डिंग होता है हमारा उसका प्राइस होता है ₹90 पर रनिंग फिट, और जो जिसमें आप गोल्डन पत्ती आप देख रहे हैं ये अगर आप गोल्डन पत्ती लगवाते हैं तो ₹120 रनिंग फिट इसका प्राइस होता है।
अब आपको एक बार फिर से पूरा कंप्लीट लुक दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं एक बार मोल्डिंग लगने के बाद ये किस प्रकार से दिख रहा है। अब ये जो मोल्डिंग होता है हमारा, बीच में मोल्डिंग के हमारा वॉलपेपर लगता है। अब ये एरिया जो आप देख रहे हैं और साइड में ये बीच का एरिया देख रहे हैं, इसमें हम वॉलपेपर लगाते हैं या यूवी मार्बल सीट लगवा सकते हैं या फिर पेंटिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा वॉलपेपर लगना है, तो उसका एक अलग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से ये वीडियो अभी यहीं तक ही रहेगा। एक चीज़ और आपको दिखा दें, यहाँ पर जो हमारा गोल्डन पत्ती लगा हुआ है आप देखेंगे, ये स्टील की पत्ती है, इसके ऊपर एक लेमिनेशन हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने लेमिनेशन को निकाल दिया है और ये लेमिनेशन लगा हुआ है। अभी आप देखिए ये कुछ इस प्रकार से लेमिनेशन लगा हुआ होता है, तो इसको अभी हम लगाए रहने देंगे। जब हमारा वॉलपेपर लग जाएगा कम्प्लीटली, पूरा लुक हमारा पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, तब ये लेमिनेशन निकालेंगे और एक बार आपको पूरा कम्प्लीट लुक दिखाएंगे। तो अभी एक बार फिर से आपको इसका प्राइस बता देते हैं। एक अभी आप देखेंगे ये जो हमारा सिंगल मोल्डिंग है, ये 45 mm मोटा ये मोल्डिंग है। अगर आप ये सिंगल मोल्डिंग लगवाते हैं तो इसका कॉस्ट होता है 60 रुपये पर रनिंग फिट, और साथ ही अगर आप ये डबल मोल्डिंग लगवाते हैं, ये हमारा 25 mm मोल्डिंग है और ये 45 mm मोल्डिंग है, अगर आप ये दोनों लगवाते हैं तो इसका कॉस्ट होता है 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। साथ ही अगर आप ये गोल्डन पत्ती जो लगा हुआ है इसको भी लगवाते हैं तो इसका प्राइस हो जाता है बढ़ के 120 रुपीज़, मतलब 120 रुपये स्क्वायर फिट आपको ये तीनों लेयर कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वॉलपेपर लगा के एक बार इसका पूरा कंप्लीट लुक देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप वो भी वीडियो आपके पास चला जाए और आप देखें उसका भी कॉस्ट आप जान। साथ ही यहाँ पर हमारा यूवी मार्बल का काम चल रहा है, इसका भी जल्दी एक कंप्लीट वीडियो आएगा, उसमें हम आपको इसका कॉस्ट सारा डिटेल इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।